सर, वो लास्ट 5 रो निकालने वाला एक बार बताइए ना। लास्ट 5 रो। हाँ अच्छा हेलो सर, क्विज सर क्विज में डाउट था सर। में भी डाउट है। चलो यस सर, क्विज में वो एक क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। चलिए पहले तो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लेते हैं। 14 रोज हैं, ठीक है। हमें जो क्वेरी चाहिए वो क्या चाहिए, लास्ट 5 रोज चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 रोज मतलब मुझे कौन कौन सी रोज चाहिए, मुझे चाहिए मिलर, फोर्ड, जेम्स, एडम्स एंड टर्नर, क्लियर। ये 5 रोज मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए। तो हम लिखते हैं क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये मुझे टॉप 14 रोज मिली, माइनस करूंगा मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर रोनम और दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। और अब मुझे निकालना है सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, ये मुझे मिला टोटल नंबर ऑफ रोज, माइनस 5 फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। मुझे चाहिए टॉप 14 में से टॉप 9 रोज, अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे लास्ट की 5 रोज मिलेंगी, ठीक है। तो लेकिन 9 रोज अगर मैं देख रहा हूँ, बस 14 रोज हैं और यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, तो ये तो भी मेरी क्वेरी सही है, लेकिन वो लॉजिकली इनकरेक्ट क्वेरी है, ठीक है। लॉजिकली करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 9 को जनरेट करना पड़ेगा मुझे क्वेरी के थ्रू। तो मैंने एक सब क्वेरी लगाई है, सब क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, ये मिलेगा नंबर ऑफ रोज, माइनस 5 फ्रॉम ई एम पी, तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। तो 14 में से 9 रोज को माइनस कर रहा हूँ, टॉप 14 में से टॉप 9 रोज को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो लास्ट की 5 रोज क्या होगी, मुझे एज एन आउटपुट मिलेगी। देखिए वही आउटपुट मिल रहा है आपको, मिलर, फोर्ड, जेम्स, एडम्स एंड टर्नर, क्लियर है। किसने यस पूछा था सर, क्वेश्चन, क्लियर यस हुआ। सर, क्लियर सर। चलिए और क्या डाउट बोल रहे थे आप लोग, क्विज में डाउट है बोल रहे थे ना। यस सर। क्विज ओपन करते हैं, सर कौन क्विज सा क्विज, थर्टी 31 की क्विज, थर्टी थर्टी 30 ना। क्विज 30। क्या डाउट है इसमें, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको रिस्पॉन्स ऑन करना पड़ेगा मुझे। ये आज सुबह ही तो बताया था इस क्वेश्चन को मैंने। चलो ठीक है देखते हैं। जो फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है वो दिया है ए डिटरमाइंस बी एंड सी, सेकंड दिया है आपको बी सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। थर्ड वन जो दिया है वो दिया है डी डिटरमाइंस ई ए, और आपको निकालना है नंबर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा कैंडिडेट की क्या है इसकी, तो पहले मैं लिख रहा हूं सुपर की। सो सुपर की इज ए बी सी डी, मैं इतना भी ले सकता हूं, मतलब सेट ऑफ डिटरमिनेंट्स को भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो पूरे को भी ले सकता हूं, मतलब ई को भी इंक्लूड कर सकता हूं, लेकिन ए बी सी डी भी मेरी एक सुपर की है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकाल रहा हूं, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फॉर कैंडिडेट की, तो बी और सी कट जाएगा,
फिर डी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लूंगा तो इसमें एक भी एट्रीब्यूट मेरे को इसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, क्लियर है। तो हमें यहां पर ई लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे ई ले रहा हूं तो ई ही बच रहा है, तो इसेंशियल एट्रीब्यूट मेरा जो ई के लिए बच रहा है वो बच रहा है ई, है सर ना। डी भी तो कट जाएगा ना सर, ई क्यों कटेगा, अच्छा सॉरी ई भी कट जाएगा, हाँ ई भी कट जाएगा, सॉरी। तो इसेंशियल एट्रीब्यूट मेरा एक भी नहीं बचा, ठीक है। अब इसेंशियल एट्रीब्यूट एक भी नहीं बचा है, इसका मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं और एक भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो इन कैंडिडेट कीज में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का क्या करूंगा, मैं क्लोजर निकालूंगा। तो मैंने निकाला ए प्लस, ए प्लस इज इक्वल टू ए, अब ए से मुझे बी सी मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पे बी सी इंक्लूड कर दिया, बी सी से मुझे डी मिल जाएगा तो मैंने डी भी इंक्लूड कर दिया, डी से मुझे ई मिल जाएगा तो ई भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है कि ए मेरा कैंडिडेट की है। फिर मैं निकाल रहा हूँ बी सी प्लस, तो बी सी प्लस इज इक्वल टू बी सी, बी सी प्लस इक्वल टू बी सी, और फिर बी सी से मुझे क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, डी से मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है और ए मिल रहा है। मतलब अगेन सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल गए, ये भी मेरी क्या हो गई, की हो गई। फिर मैं निकालूंगा डी प्लस, सो डी प्लस इज इक्वल टू डी, डी से मुझे मिल रहा है ई, डी से मुझे मिल रहा है ए, फिर ए से मुझे मिल रहा है बी एंड सी, सारे एट्रीब्यूट मिल गए, दैट मींस डी भी मेरा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। तो मेरे पास जो कैंडिडेट की मिल रही है वो कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट कीज आर ए बी सी एंड डी। सो हम लिखेंगे प्राइम एट्रीब्यूट, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स आर दी एट्रीब्यूट्स विच आर पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट कीज। तो ए कैंडिडेट की में है, बी भी कैंडिडेट की में है, सी भी कैंडिडेट की में है, डी भी कैंडिडेट की में है, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, एक भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो वो है ई, ठीक है। सो हमें यहाँ पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मुझे मिल रहा है एक ही मिल रहा है, फिर आंसर आएगा वन। सर सर कैंडिडेट का बी सी का कॉम्बिनेशन है ना, तो क्या हो गया, तो तो प्राइमरी की बी सी का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। भाई कैंडिडेट की मिल रही है, एक कैंडिडेट की ए मिल रही है, एक कैंडिडेट बी सी मिल रही है, एक कैंडिडेट डी मिल रही है। अब डेटाबेस डिजाइनर चाहे तो इसको प्राइमरी की बनाए, वो चाहे तो इसको प्राइमरी की बनाए, वो चाहे तो इसको प्राइमरी की बनाए। सर जो कैंडिडेट की रहती है वही बाद में प्राइमरी की बनेगी ना। हाँ मतलब जो हाँ तो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की में से ही हम लेते हैं, हाँ तो सर लेकिन कैंडिडेट की तो बी सी का कॉम्बिनेशन है, अलोन बी या अलोन सी तो है नहीं, हाँ तो क्या हो गया। तो उसको प्राइम एट्रीब्यूट में जैसे कौन सी अपन अलोन बी या अलोन सी को। अरे भाई मैंने कहा कि व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर दी एट्रीब्यूट्स विच आर पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट कीज। तो ए जो है वो पार्ट है पहली कैंडिडेट की का, बी जो है सेकंड कैंडिडेट की पार्ट है, सी जो है थर्ड सेकंड कैंडिडेट का पार्ट है, और डी जो है वो थर्ड कैंडिडेट की का पार्ट है, ठीक है। मतलब कैंडिडेट की में जो भी एट्रीब्यूट है वो सब प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, और जो कैंडिडेट की में नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। बात रही जो बीसी को आपने प्राइमरी की बोला, बीसी जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की बन सकती है मेरी, अगर मैं उसको प्राइमरी की बनाता हूं तो। आ यस रहा है सर समझ में, कंपोजिट की भी हमने पढ़ा था, कंपोजिट की मतलब एन की विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। अगर उसको मैं प्राइमरी की बनाता हूं तो हो जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की, क्लियर। ओके सर, जो भी कैंडिडेट टीम में होंगे वही प्राइम हाँ एट्रीब्यूट, जो नहीं जो होगा नॉन। कैंडिडेट की में जो जो एट्रीब्यूट हो गए सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, जो प्राइम जो पर्टिकुलर कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो मेरा हो जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके सर क्लियर है। यस सर। और किसी कोई डाउट सर क्वेश्चन 3 में भी था एक। इसी में ना, यस सर। क्वेश्चन 3 मतलब 1 2 3, नहीं हाँ सर इसके नीचे वाला नहीं, ये एक वाला। सेकंड एक सेकंड, चेक बस स्क्रॉल कर आज दो। वाला कोई ये वाला ना, नहीं, ये नहीं था सर, आज आज वाला वाला, कोई आज वाला। हाँ सर सॉरी गलत कीजिए। अच्छा आज वाला निकालना है। चलिए ये हो गया आज का क्विज, रिस्पॉन्स मैंने फिर से बंद कर दिया है, चालू करना पड़ेगा मुझे। बताइए कौन सा क्वेश्चन, थर्ड ये वाला ना, इसके ऊपर वाला सर ये वाला, चलिए देखते हैं इसको भी।
हमें जो दिया है हमें निकालना है मिनिमल कवर, ठीक है। मिनिमल कवर के लिए पहले तो मुझे जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज है उनको मैं राइट हैंड साइड में सिंगल टर्न करूंगा, तो एज डिटरमाइंस जीडी है। अच्छा, ये मैंने चेंज किया था, मुझे एक ने पॉइंट आउट किया था कि ये गलती से मैंने सी लिख दिया था, ये जी कर दिया था मैंने ना, तो एज डिटरमाइंस जी, एज डिटरमाइंस डी, ठीक है। ये हमने क्या किया, फर्स्ट वाली फंक्शन डिपेंडेंसी को डिकम्पोज किया, फिर हमने लिया ई डिटरमाइंस डी, तो ई डिटरमाइंस, सर सर वही वही डाउट था इसमें, सी था तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ, तो एच डिटरमाइंस डी, सॉरी ई डिटरमाइंस डी, फिर है एच डी डिटरमाइंस सी, एच डी डिटरमाइंस ई, और फिर है बी डी डिटरमाइंस ए, बी डी डिटरमाइंस ए। तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, अब सिंगल टर्न सेट हो चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है कोई एक्सट्रॉनिक एट्रीब्यूट है कि नहीं, तो एच डी डिटरमाइन सी में एच डिटरमाइन सी या डी डिटरमाइन सी मिल रहा है क्या मुझे, पहले वो देखना है हमें। तो पहले हम देखते हैं एच डिटरमाइन डी मिल रहा है और एच डी डिटरमाइन सी है, तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ एच डिटरमाइन सी बाई सूडो ट्रांजिटिविटी, किससे, इससे और इससे मैं लिख सकता हूँ एच डिटरमाइन सी। इसका मतलब है कि जो डी है इसमें वो एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट है, इस पूरी फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं रिड्यूस करके एच डिटरमाइन सी कर सकता हूँ। क्लियर है, अभी एज डिटरमाइन सी हो गया, अभी एज डिटरमाइन ई भी हो जाएगा मेरा एज डिटरमाइन ई बाई सूडो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ये भी मेरा अब क्या हो गया, ये डी भी मेरा क्या है एक्सट्रॉनियस एट्रीब्यूट है, ये भी फंक्शन डिपेंडेंसी हट गई, ये भी हट गई, इनके बदले ये और ये आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मैं हटा सकता हूं क्या, तो हम देखें एज डिटरमाइन डी दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं डी के जो है दो पर्टिकुलर डिपेंडेंट, दो पर्टिकुलर डिटरमिनेंट हैं, एक एच है एक ई है। अब एज डिटरमाइंस ई भी दिया है, ठीक है, तो एज डिटरमाइंस ई, ई डिटरमाइंस डी से मैं एज डिटरमाइंस डी लिख निकाल सकता हूं, मतलब ये भी मेरा क्या रिडंडेंट है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं हटा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो बच गया, अब देखते हैं जी का जो है एक ही डिटरमिनेंट है, डी का भी एक ही डिटरमिनेंट है, सी का भी एक ही डिटरमिनेंट है, ई का भी एक ही डिटरमिनेंट है और ए का भी एक ही डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो एज डिटरमाइंस जी आएगा, मतलब एक तो ये आएगी, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो एज डिटरमाइंस जी, एज डिटरमाइंस जी सभी में दिया है। ई डिटरमाइंस डी, ई डिटरमाइंस दिया है एक तो इसमें, एक इसमें और एक इसमें, मतलब बी तो मेरा हट गया, नहीं इसमें भी दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं एज डिटरमाइंस सी, तो एज डिटरमाइंस सी इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें नहीं, इसमें भी दिया है, ठीक है। एज डिटरमाइंस ई, एज डिटरमाइंस ई यहाँ भी दिया है, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन जो आखिरी जो ऑप्शन ऑप्शन है उसमें सभी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है आपको आखिरी वाला, सर इसका लास्ट क्वेश्चन भी बता दीजिए, मिनिमम कवर्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो था नंबर ऑफ मिनिमल ऐसा करके, ये इसमें अगर हम देखें ना, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक भी एफडी में मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूं। देखिए एक काम करते हैं, कम करते हैं थोड़ा, हाँ, पी पी क्यू डिटरमाइंस आर, फिर दिया है पी आर डिटरमाइंस क्यू, फिर दिया है क्यू डिटरमाइंस एस, ठीक है। उसके बाद दिया है क्यू आर डिटरमाइंस पी, तो क्यू आर डिटरमाइंस पी, उसके बाद दिया है पी क्यू डिटरमाइंस टी, तो पी क्यू डिटरमाइंस टी, ठीक है। अब यहां पर देखें तो आर को एक ही पर्टिकुलर सेट डिफाइन कर रहा है, वो है पी क्यू, क्यू को भी एक ही सेट डिफाइन कर रहा है, वो है पी आर, ठीक है। एस को भी सिर्फ और सिर्फ क्यू ही डिटरमाइन कर रहा है, पी को भी सिर्फ और सिर्फ क्यू और आर का कॉम्बिनेशन डिटरमाइन कर रहा है, और टी को भी सिर्फ और सिर्फ पी क्यू को ही, पी क्यू ही डिराइव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड तो मेरा मिनिमल कवर था ही, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिस्कार्ड करना चाहूं वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, और किसी फंक्शन डिपेंडेंसी को डिस्कार्ड करूं तो वो भी नहीं हो रही है, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरा मिनिमल कवर निकला हुआ है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एफ डीज क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आएगा आपका 5। क्लियर है, तो हमेशा जरूरी नहीं हो कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ रिड्यूस ही हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली इरिड्यूसिबल सेट फॉर्म में ही लिखा हुआ हो, ठीक है, और उससे ज्यादा वो रिड्यूस ना हो रहा हो, ठीक है।
हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया तो रिड्यूस होना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट इनमें? बन गए होंगे बाकी क्वेश्चंस तो।